So hello everyone, in this video I am going to be discussing regarding the expected results date for your examinations. तो आप में से अभी सबके एग्जाम हो गए हैं खत्म, ढेर सारी आप मस्ती कर रहे हो, बट काफी सारे लोग ये एक्साइटेड है जानने के लिए कि हमारे रिजल्ट्स के डेट कब आएंगे. देखो, इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट डेट होता है और कैंपस प्लेसमेंट्स का डेट होता है उसका एक पैटर्न होता है, राइट? एंड एवरी ईयर आई एम गोना बी फॉलोइंग दिस एंड टेलिंग यू गाइस कि देयर इज अ फिक्स्ड पैटर्न टू दिस. अगर मैं बात करता हूँ नवंबर 22 के पैटर्न को, तो एग्जाम खत्म हुई थी 16th of November को, 50 दिन के अंदर इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट दे दिया था और उसके 30 दिन के अंदर आपका आईसीए कैंपस का शॉर्टलिस्टिंग आ गया था, विच इज देयर. तो 10 फरवरी के आसपास आपका उनका शॉर्टलिस्टिंग आ गया था. सेम पैटर्न वॉज फॉलोड इन मे 23. देखो 49, 34 उसके आसपास का ही पैटर्न चलता है, राइट? नवंबर 23 में आपका 54 डेज के बाद आपका रिजल्ट आया था और 29 डेज के बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था. अब आपके अटेम्प्ट की बात करते हैं, विच इज मे 24, राइट? जो कि मेरे हिसाब से आपके एग्जाम्स खत्म हुए हैं 16th of May को. मोटा मोटी आपके रिजल्ट्स आ जाने चाहिए 50 डेज में. बट यहाँ पे एक चीज आपको जस्ट मैं वार्न करना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जब रिजल्ट्स आए थे तो देयर वर 8 पेपर्स, तब 8 पेपर थे, बट इस केस में अभी 8 पेपर नहीं, अभी 6 पेपर है. एंड इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि विद इन 40-45 डेज में आपके रिजल्ट्स लाके फेंक दें, राइट? तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट कि आपके रिजल्ट्स 40-45 डेज के अंदर आ सकते हैं. बट अगर मैं एक्सट्रीम केस पकड़ूं, दिस इज एक्सट्रीम केस व्हिच इज देयर, व्हिच इज अ 50 डेज, राइट? तो ये आ जाएंगे आपका 5th of July, राइट? बट अगर इंस्टीट्यूट अपने बातों पे खरा उतरता है तो आपके जून, राइट, मिड या जून एंड तक आ जाने चाहिए, है ना? अब इंस्टीट्यूट ने पेपर भी कम कर दिए हैं और काफी सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, तो आप उनका रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी आ सकता है, बट ये एक्सट्रीम केस में आपका रिजल्ट जा सकता है 5th of July तक, राइट? और कैंपस जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा मोटा मोटी 4th of August तक के, राइट? तो ये एक मेरे हिसाब से टाइम लाइन है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं और वो ये है कि आज से लेके जब तक के आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट, फ्रॉम टुडे टिल योर रिजल्ट्स आर आउट, राइट, आपको किन किन चीजों पे काम करना है. क्योंकि आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे तो जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं उसके 30 दिन में आपके कैंपस की शॉर्टलिस्टिंग्स आ जाती हैं. और इससे होता क्या है कि आपके पास काफी कम टाइम बचता है फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड द थिंग्स व्हिच आर देयर. सो इस बीच में आपको कुछ चीजों पर काम कर देना है. सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि आपका रेज्यूमे बन जाए. दूसरा, आपको कोशिश करना है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बन जाए. तीसरा, आपको कोशिश करना है कि आपके नौकरी का अकाउंट बन जाए, राइट? चौथा, आपको कोशिश करना है कि आप डिसाइड करें कि आपको कौन से डोमेन में जाना है. तो इसके साथ साथ आपको यह भी डिसाइड करना है कि भाई आपको उस डोमेन के रिलेटेड टेक्निकल चीजें प्रिपेयर करनी है, राइट? तो विच एवर डोमेन यू आर टारगेटिंग, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिसाइड कि आई वांट टू बिल्ड माय करियर इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और अ स्टैट्यूटरी ऑडिट और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, राइट, और एफडीडी और एफपीएनए, व्हिच एवर डोमेन यू वांट टू गेट इनटू, यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द टेक्निकल्स फॉर द सेम. फिर इसके साथ साथ आपको कुछ कोशिश करनी है कि आप कुछ मॉक इंटरव्यूज वगैरह दो. इसके साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे काम करना है, दैट इज नेटवर्किंग, राइट? आप नेटवर्किंग बिल्ड करें कि लोगों से आप नेटवर्क कर सके, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा, राइट? और इसके साथ साथ वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट इज यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? अगर इन सब स्किल्स पे आप अगर अपने सीवीज पे और बाकी चीजों पे काम करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएगा. इसमें काम करने के दो तरीके हैं, या तो आप खुद से करिए, मैं हमेशा कहता हूँ खुद से करिए, या तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए, राइट? आप खुद से करिए या तो किसी की हेल्प ले लीजिए. सो जनरली, राइट, यू हैव अ चॉइस विच एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर, राइट? इफ यू नीड अ हेल्प, CAMONG टीम इज ऑलवेज विथ यू, राइट? वेयर वी आर गोना बी हेल्पिंग यू आउट इन आर इंटरव्यू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वर्कशॉप, विच इज गेटिंग इंटरव्यू रेडी वर्कशॉप, बैच नंबर 57 and 58, राइट? अगर ये बाद में देख रहे हो तो आपको बाद में विजिबल रहेगा. तो हमारा जो अभी नेक्स्ट बैच आ रहा है, विच इज 57 and 58, जहां पे एवरीथिंग रिलेटेड टू इंटरव्यू ट्रेनिंग प्लेसमेंट, जो जो चीजें मैंने मेंशन किया था वो सब चीजें बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कवर की गई है, इंक्लूडिंग 1-on-1 मॉक इंटरव्यू, राइट, 1 मास्टर क्लास फॉर द डोमेन वेयर यू वांट टू गेट इनटू, राइट? विद दिस वी विल आल्सो हैव अ रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन एंड द बेस्ट थिंग इज दैट विल सपोर्ट यू टिल द टाइम यू गेट प्लेस्ड, विल गाइड यू फॉर आईसीए कैंपस प्लेसमेंट्स, कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, यू विल गेट एक्सेस टू द एआई बॉट एंड यू विल नेटवर्क विद द बेस्ट इंडस्ट्री लीडर्स व्हिच आर देयर, राइट? एक बार मैं अगर आपको दिखाऊं कि कौन कौन से मेंटर्स आ रहे हैं हमारे ट्रेनिंग वर्कशॉप में तो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा. राइट, इफ यू कुड सी द इंडस्ट्री लीडर्स दोज़ हु आर गोना बी जॉइनिंग इन, राइट, मुकेश जी, राइट, ही इज अ पार्टनर इन वन ऑफ द
Big Six company, right? He's a partner at BDO. Ashwini, right? He is a global head for ETG group, right? Rajneesh Desai, he's a ex-KPMG partner, current partner at KNAV. So all the best industry leaders and the mentors are going to be joining here to guide you for this training workshop. राइट अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप रजिस्ट्रेशन पे लिंक देख लीजिए या तो आई बटन पे भी क्लिक करिएगा आपको डिटेल्ड वीडियो उस चीज से रिगार्डिंग मिल जाएगी राइट तो गाइस इस टाइम को आप एंजॉय कीजिए उसके साथ साथ इन सब चीजों पे भी काम कीजिए बिकॉज आफ्टर द रिजल्ट्स आर आउट यू विल सी द रियल कॉम्पिटिशन विच इज गोना बी देयर इन द इंडस्ट्री राइट तो बढ़िया से इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और अपस्केलिंग करना ना भूले राइट अगर आप हमारे साथ आते हो बैंगॉल विल बी हेल्पिंग आउट इन एवरी पॉसिबल वे विच इज देयर अगर आप खुद से करना चाहते हो तो खुद से करिए बट खुद से करते हो तो गाइडेंस नहीं मिलता है एक फ्लो नहीं मिलता है हमारे साथ रहोगे तो पूरा फ्लो गाइडेंस और मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा राइट तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट राइट जब भी आपका रिजल्ट हो उसके लिए बट इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए थैंक यू